डीजल के दाम को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। भोपाल में भी रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस ने बढ़ते डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं उज्जैन में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर भाजपा के खिलाफ धरना दिया। देश में बढ़ रही महंगाई सहित किसान कानून को मुद्दा बनाकर कांग्रेस अब मैदान में उतर चुकी है। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार को पूरे मध्य प्रदेश सहित भोपाल में भी देखने को मिला। भोपाल में कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा बोले कि पूरे विश्व में जहां कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, वहां भारत में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ये धरना प्रदर्शन हमारा जो किसानों का दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन था उसके पक्ष में है। तीन जो काले कानून हैं वो सरकार वापस ले, कांग्रेस भी किसानों की उस मांग का समर्थन करती है। दूसरा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और अब बिजली, इन सब के भाव लगातार इन्होंने बढ़ा दिए। जब 2014 में सरकार बनी थी मोदी जी की, तो इन्होंने कहा था हम 35 रुपये में डीजल पेट्रोल देंगे और आज 100 रुपये हो गया है। रसोई गैस जो महिलाओं से संबंधित रोज बढ़ रहा है, डीजल किसानों के उपयोग में आता है और बिजली की दर जो कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी ने 100 रुपये 100 यूनिट थी, उसका रेट लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। इन सब के खिलाफ ये आंदोलन है और अगर इन्होंने नहीं माना तो ये विधानसभा में उठाएंगे, घेराव करेंगे मुख्यमंत्री निवास का, लेकिन जब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि हमारी मांग ये पूरी नहीं करते। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन उज्जैन में भी देखने को मिला। यहां गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, पूर्व विधायक डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, पूर्व सभापति आजाद यादव सहित कई कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध उपवास करके जताया। आज ये उपवास और धरना हमारे प्रदेश में और देश में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, घरेलू गैस की मूल्य वृद्धि उसके विरोध में है और किसान आंदोलन के समर्थन में है। आज जिस स्थिति में देश है, बड़ी अराजकता का माहौल है। किसान इस देश की राजधानी को बंद करके बैठे हुए हैं। 28 दिन हो गए मगर उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आज जो महंगाई इस देश को आसमान छू रही है, इस पे हमने रखा है। आज पेट्रोल, जब हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उस समय 40 से 45 रुपए डीजल और पेट्रोल था। गैस की टंकी भी 400 से 500 रुपए करीब थी। आज सभी चीज़ के रेट डबल हो गए हैं। आप कौन सी तेल भी ले लो, खाने की पदार्थ भी बहुत सारी चीज़ ले लो, आप तेल ले लो, शक्कर ले लो, बहुत सारी महंगाई बढ़ रही है। और किसान आज हमारा बॉर्डर पर दिल्ली में जो धरना दे रहे, 28 दिन हो गए, उनके समर्थन में हम किसानों के समर्थन में भी हम आज धरना दे रहे हैं और जो काला बिल, जो 3 बिल हैं वो वापस ले सरकार। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।